इस वक्त सोशल मीडिया पर कई मैसेजेस वायरल हो रहे हैं ये बताने के लिए कि किस तरीके से आप अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। हालांकि इनमें से कितने मैसेजेस सच हैं और कितने नहीं, ये आज आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। सर, शुरुआत मास्क से करते हैं। राजधानी दिल्ली की ही अगर बात करें, सब लोग मास्क पहने सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्या एक हेल्दी इंसान को भी मास्क पहनना चाहिए अपने आप को इस इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए? नहीं, एक हेल्दी इंसान को मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पैनिक रिएक्शन ही क्रिएट कर रहा है। मास्क की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी है और हम चाहते हैं कि उससे किसी और को इन्फेक्शन ना हो, तो वो मास्क डाल सकता है, जिससे उसकी खांसी आगे जाके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो ना फैले। लेकिन आम आदमी जिसको कोई तकलीफ नहीं है, चाहे वो क्राउडेड एरिया में जा रहा है, चाहे वो मार्केट जा रहा है या कहीं और घूमने जा रहा है, मास्क डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो है N95 मास्क, जो कई लोग कहते हैं कि उनको N95 मास्क चाहिए, N95 मास्क जो है वो एक तो बहुत देर के लिए डालने के लिए उसकी वो मुश्किल होता है, बड़ा टाइट सा मास्क है, इट कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। वो उन लोगों के लिए ही है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो पेशेंट को डील कर रहे हैं और पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जो पॉजिटिव केसेज हैं, और वो ये प्रोटेक्शन चाहते हैं कि उनको इन्फेक्शन ना हो, उनके लिए N95 मास्क है। आम पब्लिक के लिए N95 मास्क है ही नहीं, और आम पब्लिक को वैसे भी मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्क से कोई फायदा नहीं है। सर, अगर मेरे लोकेलिटी में किसी को कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है, तो क्या उस स्थिति में भी मुझे डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और वो खांसने से या किसी सर्फेस पे अगर वायरस रह जाए तो उससे होता है। लेकिन अगर कोई खांसता है तो जो वायरस है वो सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस तक ही जा पाता है, उससे कम ही जाता है। तो अगर आपकी लोकेलिटी में है, तो आप अगर 2 मीटर दूर हैं किसी से, तो आपको वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इतना दूर वायरस ट्रैवल ही नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं कि अगर आपका कोई, आपकी लोकेलिटी में भी कोई केस है या आपके पास कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे वो पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं, तो उससे आपके लोकेलिटी या आपके घर के अंदर वायरस नहीं आ सकता। सर, कई तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तो बहुत ज्यादा। एक ऐसा था कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो ये इन्फेक्शन, ये वायरस मर सकता है, अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो ये वायरस आपको नहीं होगा। तो दोनों मिथ्स हैं। एक तो अल्कोहल और इस इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि अल्कोहल से जो वायरस गले में हो मर जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और दूसरा, ये जो वायरस है ये एनिमल से ह्यूमंस में आया है, इट इज जम्प्ड स्पीसीज, लेकिन अब ये एक ह्यूमन वायरस है। इसका स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, एनिमल से स्प्रेड नहीं है, और एक इंसान से दूसरे इंसान में ही ये फैलता है। इसलिए नॉन वेज खाने से वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। ये बात सही है कि जो नॉन वेज फूड हम खाएं तो प्रॉपरली कुक्ड हो, पर वो और इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए भी है। इस वायरस का, जो कोरोना वायरस है, इसका नॉन वेज फूड से कोई लेना देना नहीं है। अब सर, कहा जाता है कि वायरस क्योंकि तापमान जब बढ़ता है तो मर जाता है, तो कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि गर्म पानी पीते रहिए तो ये आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये वायरस गर्म कंट्री जैसे सिंगापुर है, विच इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, वहां पर भी इसका आउटब्रेक हुआ है। और नॉर्थ, अगर हम ठंडे क्लाइमेट की बात करें तो इटली या साउथ कोरिया, जो ठंड है वहां पर भी इसके बहुत आउटब्रेक हुए। तो डिफरेंट एरियाज में इन्फेक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ पीपल कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट। सो टेम्परेचर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली नमक के गरारे करने से, गर्म पानी लेने से भी इन्फेक्शन नहीं जाएगा। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हम नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सर, अगर तापमान से कोई लेना देना नहीं है, तो अभी दिल्ली में जैसे बहुत बरसात हो रही है, तापमान नीचे आ गया है, और डर था कि शायद अब कोरोना वायरस बढ़ने की संभावना है, ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं है, अगर हम प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स यूज करें। ये बात हम कह सकते हैं कि जब ह्यूमिडिटी हो, ठंड हो, तो वायरस एनवायरमेंट में ज्यादा टाइम के लिए, कुछ ज्यादा घंटे सर्वाइव कर सकता है। बहुत ज्यादा गर्मी हो तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं जब हीट ज्यादा हो। लेकिन चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, अगर हम अपना इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट, रेगुलर हैंड वॉशिंग, ये हम अगर मेजर्स रेगुलरली करेंगे तो हम बच सकते हैं। सर, किसी भी तरह की वैक्सीन क्या कोरोना वायरस को लेकर आई है? क्योंकि एक मैसेज ऐसा भी है जो कह रहा है कि आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से ही एक वैक्सीन, एक आर्सेनिक रिलीज किया गया है, जिससे आप कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक नया वायरस है, इसकी वैक्सीन के लिए रिसर्च हो रही है। पर जब भी कोई नया वायरस आता है तो नई वैक्सीन बननी पड़ती है। जैसे हमारे, अगर आप याद करें, 2009-10 में स्वाइन फ्लू आया था, तो
उसकी भी कोई वैक्सीन नहीं थी, 6 से 9 महीने लगे थे उसकी वैक्सीन आने के लिए। अब वो वैक्सीन आम अवेलेबल है, तो वैक्सीन बनने में ही टाइम लगता है, क्योंकि उसका एक आपको पहले वैक्सीन बनाना है, फिर स्टडी करके देखना है कि इट इज एफिकेशियस, वो काम करती है, फिर देखना है कि वो सेफ भी है, कि आप किसी को देते हो तो उसका नुकसान तो नहीं होना चाहिए, तो प्रोटेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए, फिर उसकी मास प्रोडक्शन होनी चाहिए जिससे सब लोगों को मिल पाए। तो इसलिए वैक्सीन आने में साल से ज्यादा लगेगा, और अभी हमें वैक्सीन का इतना वेट नहीं करना चाहिए, गुड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स ही इफेक्टिव होंगे। सिमिलरली कोई ऐसी दवाई भी नहीं है, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे एलोपैथिक में हो, चाहे होम्योपैथिक में हो, जो दिखाई गई है साइंटिफिकली कि वो इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। सर, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स मैं आपसे पूछूं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, पहले जैसे आपने कहा स्वाइन फ्लू आया, ये बोला था, सार्स था, इस बार ऐसा लगता है डर ज्यादा है इस बीमारी को लेकर, सैनिटाइजर्स और मास्क सब दुकानों पर मिल नहीं रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये आई थिंक इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इफ आई मे से सोशल मीडिया एंड मीडिया, जो पैनिक क्रिएट हो जाता है। ये पहले भी हुआ, अगर हम देखें जब सार्स, जब ये H1N1 स्वाइन फ्लू आया था, तो एक सिचुएशन थी जब एक लड़की की डेथ हो गई थी पुणे में, और इतना पैनिक हुआ था कि लोगों, सड़कें खाली हो गई थी, अगेन मास्क खत्म हो गए थे, सैनिटाइजर खत्म हो गए थे, टेस्टिंग के लिए लोग लाइन में लग गए थे, क्योंकि जिसी को बुखार होता था वो सोचता था मुझे स्वाइन फ्लू हो गया। तो स्वाइन फ्लू भी बहुत माइल्ड इलनेस है, आजकल नॉर्मल फ्लू की तरह ही है, लेकिन तब इतना ज्यादा पैनिक था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हमें लगता है कि हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो गो टू गुड ऑथेंटिक वेबसाइट्स, मिनिस्ट्री की है, WHO की है, अदर गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं, उससे नॉलेज लेके देखें कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। कोरोना वायरस की मोर्टैलिटी इज ओनली 2-3%, इसका मतलब 98% जो लोग जिनको कोरोना वायरस होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे जो 3 केसेस थे केरल में, वो अब ठीक होके घर चले गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जानलेवा वायरस है। अगर हम चाइना का भी डेटा देखें, 80% से ज्यादा लोगों को माइल्ड इलनेस हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए, 20% ठीक हो ही थोड़ा सीवियर इलनेस हुआ था जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, और उनमें से भी ओनली 15-20% नीडेड ICU केयर। तो अगर हम पूरा डेटा को एनालाइज करें, इट इज नॉट दैट सीवियर इलनेस, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे चाइना में हुआ कि बहुत ज्यादा केसेस एकदम आ गए, उस टाइप की सिचुएशन इंडिया में ना हो। सर, फिर एक बार बस हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता दें कि एग्जैक्टली ये वायरस फिर फैलता कैसे है और किस तरीके से लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अगर किसी को कोरोना वायरस है तो वायरस उसके गले में आ जाता है, जब वो खांसता है तो खांसने से वायरस हवा में आ जाता है, और वो 1-2 मीटर की दूरी तक रहता है, कुछ घंटे हवा में रह सकता है, और कोई और इंसान जब वो क्रॉस करता है तो अगर वो सांस अंदर लेता है तो वायरस उसके गले में आ सकता है, जिससे इन्फेक्शन हो सकती है, उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकती है। तो क्लोज कॉन्टैक्ट से ही होगा, अगर आप दूर हैं तो आपको नहीं होगा। दूसरा है, दिस वायरस कैन गो ऑन टू सर्फेसेस, आपने खांसा, वो कुर्सी पे या टेबल पे वायरस आ गया तो वहां पे रह जाता है, और किसी और ने उसको टच किया तो उसके हाथ पे आ जाएगा, और हाथ से अगर उसने अपना नाक मुंह टच किया तो वो उनके सांस की नाली में इन्फेक्शन आ जाएगा। सिमिलरली किसी को वायरस है, वो अपना नाक टच कर रहा है तो वायरस उसके हाथ में आ गया, उसने दरवाजा टच किया तो उसके दरवाजे के नॉब पे आ गया, थोड़ी देर बाद कोई और आए, उसने भी दरवाजा खोला तो उसको भी उसके हाथ में आ गया, और वो इस तरह से स्प्रेड हो जाता है। इसलिए हैंड वॉशिंग भी बहुत जरूरी है कि हम अपने हाथ साफ रखें, जिससे हाथों के थ्रू हम वायरस को ट्रांसमिट ना करें या वो हमारे बॉडी में ना आए। चलिए, तो ये थे एम्स के डायरेक्टर, कई अहम बातें बताते हुए, लेकिन सबसे अहम बात यह कि इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही इन्फॉर्मेशन पर आप विश्वास ना करें, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज पर ही विश्वास करें, और पैनिक की स्थिति नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सारी सिचुएशन यहां पर इस वक्त अंडर कंट्रोल है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ ईशा गुप्ता, आज तक।